प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, पीएसपी टेस्ट नंबर 6 जो कि ऑनलाइन के हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट नंबर 8 था, कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, आज हम लोग इस टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना टाइम को लॉस किए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आप लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अ चोक क्वाइल इज प्रीफर्ड टू आर रियास्टेट इन एसी सर्किट एज। बच्चों, एसी सर्किट में रियास्टेट की बजाय करंट को कंट्रोल करने के लिए चोक क्वाइल का यूज किया जाता है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है पूछा है। क्योंकि बच्चों, अगर हम रियास्टेट को यूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात होती है, क्वेश्चन नंबर 1, जब हम रियास्टेट को यूज़ करते हैं बच्चों, तो रियास्टेट को यूज़ करने से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा करके किसी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रियास्टेट खुद में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि वेरी करता रहता है, पॉइंटर को आगे पीछे हम घुमाते रहते हैं। तो क्या होता, मान लो कोई सर्किट है, यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ रियास्टेट का यूज़ करें ऐसे, वेरिएबल रजिस्टर रहेगा, इसके ऊपर पॉइंटर रहेगा ऐसे, और यहाँ पर बच्चों कोई पावर सप्लाई हम यूज़ कर दें, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एसी सर्किट ऐसे लगा दिया है, और एसी बच्चों सर्किट कहने का मतलब एसी सोर्स लगा दिया है। अब अगर बच्चों मैं इस पॉइंटर को आगे पीछे करूँगा, मान लो पॉइंटर को आगे लेके जाता हूँ, तो करंट तो रिड्यूस हो जाएगा बट ये रेजिस्टेंस यहाँ के अंदर बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगा। एसी सर्किट में वैसे भी रेजिस्टेंस में पावर लॉस मैक्सिमम होता है, तो यहाँ के अंदर बेटा क्या होगा, इससे ड्रॉबैक है पावर लॉस का। वहीं पर अगर हम करंट को कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर या चोक कॉइल का यूज़ करते हैं, तो चोक कॉइल बच्चों इंडक्टिव नेचर का होता है, ये सर्किट है। यहीं पर हम चोक कॉइल लगा दिए, चोक कॉइल ऐसे करके लगा दिए, एक इंडक्टर की तरह समझिएगा। यहाँ पर बच्चों चोक कॉइल को लगाने से यहाँ पर एक एसी सोर्स मैंने लगा दिया, ऐसा करने से क्या होगा, आयरन कोर को चोक कॉइल में क्या करते हैं, आयरन कोर को कॉइल के अंदर या बाहर किया जा सकता है। तो अंदर या बाहर करके यहाँ के एक्सएल की वैल्यू हम कंट्रोल करते हैं, आयरन कोर को इसके अंदर लाते हैं, एल बढ़ता है, एक्सएल बढ़ता है, एक्सएल बढ़ता है, तो बच्चों जेड बढ़ता करंट कम हो जाता। और ख़ास बात ये कि यहाँ पावर लॉस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है, आइडियल है तो 0, नॉन आइडियल है तो थोड़ा बहुत। यहाँ के अंदर बच्चों पावर लॉस से बचा जा सकता है, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। तो ऑप्शन में देखें, पहला कहा गया इट कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 0 पावर, बी में कहा गया इट इंक्रीजेस करंट, ये करंट को बढ़ा देता है, सी में कहा गया इट इंक्रीजेस पावर, और डी में कहा गया इट इंक्रीजेस वोल्टेज। सर, यहाँ पर बी सी और डी ये तो गलत हैं, पहला यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। ओके, करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। बेटा यहाँ पे कहा गया विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप अप या स्टेप डाउन जो नाम रखा गया है, ये वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। अगर कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो स्टेप अप, और वोल्टेज को घटाता है तो स्टेप डाउन। यहाँ बात हुई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ के लिए बेटा स्टेप डाउन की क्योंकि बात हुई है, तो वोल्टेज इन दी सेकेंडरी मतलब आउटपुट का वोल्टेज ये कम होगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज इन दी प्राइमरी, यानी इनपुट वोल्टेज से कम होगा। नंबर ऑफ टर्न इन दी सेकेंडरी दिस विल बी लेस देन दी नंबर ऑफ टर्न इन दी प्राइमरी। और यहाँ करंट की जब बात करें, देखो कोई ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बदलता है, पावर को जनरली घटाता है, या फिर अगर आइडियल है तो वही पावर ले जाके आउटपुट पे रख देगा, तो पावर को कभी बढ़ाया नहीं जाता। इसका मतलब V और I का जो प्रोडक्ट है बच्चों, V into I equal to power, वो कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर बच्चों V और I आइडियल ट्रांसफार्मर को लेकर सोचें, V I का प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट रखना है, अगर आइडियली सोचें तो आइडियली, तो यहाँ के अंदर क्या होता है, वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस। बच्चों आउटपुट पे जो हमें पावर मिलेगा वही इनपुट पे मिलना चाहिए। तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बच्चों मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज कम हो गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट की वैल्यू जो हमारे पास होगी, करंट की वैल्यू जो होगी वो बढ़ गई होगी।
क्योंकि अगर दोनों चीज़ें घट जाएंगी या दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लग पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट यानी सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, और बच्चों सेकेंडरी में करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो पूछा गया क्या बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर थ्री में बेटा एक सर्किट डायग्राम बना के दिया, एसी सर्किट ऐसे दिया गया है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसी के पैरेलल में एक ब्रांच और है, इसमें एक इंडक्टर लगा के उन्होंने दिखाया है, और फिर बच्चों इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्शन देते हुए इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाया गया है ये, और यहाँ वोल्टेज शो किया गया वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब एसी सोर्स यहाँ लगाया गया है। हमसे पूछा गया, कहा गया है फॉर दिस सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रो द इंडक्टर इज 0.9 एम्पियर वाइल द करंट थ्रो द कंडेंसर इज 0.4 एम्पियर। ओके, यहाँ पर जो करंट है 0.4 एम्पियर का है, मान लिया यहाँ पे करंट देखो बच्चों दिया गया 0.4 एम्पियर किसी समय पे, और यहाँ पे करंट को बताया गया है 0.9 एम्पियर। ओके, ऐसे हमसे पूछा गया है हेंस द करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, ऑब्वियसली ये आरएमएस करंट की बात हो रही होगी। तो बच्चों फेजर डायग्राम इसका सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा, जो सेम हो फेजर डायग्राम में उसको पहले बना लो। यहाँ पर बच्चों फेजर डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, फेजर डायग्राम में हम दिखा सकते हैं कि वोल्टेज दोनों में क्या है सेम। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये हमारे पास कहीं वोल्टेज रहता है ऐसे, तो वोल्टेज दोनों में क्या है सेम है, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका मैंने बना दिया। अब बच्चों एक एक के पास जाएं, इसमें हम पूछे करंट क्या करेगा, तो पता हमें ये पहले से है कि किसी प्योर कैपेसिटर का जो करंट होता है वो उसके वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये 0.4 वोल्ट बच्चों यहाँ लीड करा देंगे, 0.4 एम्पियर का करंट जो हमारा कैपेसिटर में जा रहा है, दिस इज कैपेसिटर करंट, दिस इज 0.4 एम्पियर, ऐसे मैंने लीड करा दिया वोल्टेज की तुलना में। यहाँ पे गए, हमें पता इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता, अगर प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज 90 डिग्री करंट से लीड करता है। इसको रिवर्स करके बोलें तो हम कहेंगे इंडक्टर का, प्योर इंडक्टर का जो करंट होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। वोल्टेज यहाँ है, वोल्टेज से 90 डिग्री इसको लैग करा देना है, दिस इज 0.9, ठीक है। अब यहाँ पर इस सर्किट को अगर मैं बैलेंस करूँ, ये दोनों बच्चों अपोजिट हैं, तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा है वैल्यू में, आप देख सकते हो दिस इज 0.9 एंड दिस इज 0.4, ऐसे सीधा कर दें इसको। बच्चों यहाँ के अंदर ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 0.5 एम्पियर और 0.9 एम्पियर, तो फेजर डायग्राम का जो एक्चुअल रूप आएगा वैसे होगा, V हो गया, और यहाँ के अंदर 0.9 और 0.4 का रिजल्टेंट 0.5 हो गया जो कि नीचे चला गया। तो हमें एक ऐसे सर्किट का रूप देखने को मिल रहा है फेजर डायग्राम से कि जिसमें वोल्टेज तो है, वोल्टेज यहाँ के अंदर बच्चों जिसके अंदर है, और करंट भी है, बट करंट क्या है वोल्टेज से 90 डिग्री पर है, यही कहलाएगा रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट हमारे पास जो है नेट करंट यहाँ पर 0.5 एम्पियर है, तो जो करंट इन दोनों में फ्लो हो रहा है रिजल्टेंट जिसको हम कह रहे हैं दैट इज मेन करंट, यहाँ I1 था, यहाँ I2, यहाँ क्या होगा I यहाँ पर मेन करंट होगा, और बच्चों मेन करंट की वैल्यू यहाँ के अंदर फेजर डायग्राम से स्पष्ट है 0.5 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। ये रहा यहाँ के लिए सोल्यूशन, और ऑप्शन वाइज अगर देखें तो यहाँ बच्चों करेक्ट जा रहा है ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों चलते हैं अगले, वी है क्वेश्चन नंबर फोर में बेटा हमसे कह रहे हैं फॉर ILCR सर्किट एट रेजोनेंस द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इज, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है। पहला कहा गया पीक एनर्जी स्टोर्ड बाई अ कैपेसिटर इज इक्वल टू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाई एन इंडक्टर, पीक एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के द्वारा और इंडक्टर के द्वारा सेम होगा। तो बच्चों यहाँ होता क्या है, अगर एल सी आर सर्किट अगर रेजोनेंस में है बेटा, तो यहाँ पर एक सिग्नल का ऑसिलेशन होता है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, और यहाँ पर मैक्सिमम करंट ड्रॉन होता है,
तो बच्चों यहाँ पर जो भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है, फिर वही एनर्जी जाके कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। इसके अंदर क्या चलता रहता है, इंटर कन्वर्जन। तो मान लो इसके अंदर 100 जूल मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हुआ, तो यही 100 जूल कभी जाके इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, वो सही बोल रहे हैं, करें मैक्सिमम यानी कि पीक एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर इज इक्वल टू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाई एन इंडक्टर। बिल्कुल यही एनर्जी इंटर कन्वर्जन इसमें होता है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। बी में कहा गया है एवरेज पावर इक्वल टू अपेरेंट पावर। जब बच्चों रेजोनेंस का केस होता है, ये सवाल रेजोनेंस के केस में पूछा गया है, तो रेजोनेंस के केस में होता क्या है, वोल्टेज और करंट ये दोनों सेम फेज में आ जाते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाते हैं, और सेम फेज में अगर ये आ गए हैं, जैसा कि ऑप्शन करा एवरेज पावर, तो एवरेज पावर जब हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो कहते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, यहाँ फेज डिफरेंस जीरो होगा। बेटा जी वी आर एम एस आई आर एम एस के बीच का फेज डिफरेंस यहाँ क्या होगा, जीरो, क्योंकि वी और आई सेम फेज में आ गए हैं। तो यहाँ सिंपली हमारे पास बच जाता वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो बच्चों अगर मैं अपेरेंट पावर निकालूं, मैं आपको बता चुका हूं, तो अपेरेंट पावर भी यही आता है बाई एक्सप्रेशन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तीन तरह के पावर मैंने बताए थे। तो बच्चों ये पावर देखें दोनों क्या आ गए सेम, यानी कि रेजोनेंस की परिस्थिति में यहाँ पर P की एवरेज वैल्यू और P की अपेरेंट वैल्यू क्या होगी सेम। इसका मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है। अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो फिलहाल दोनों सही ये भी हो गए अभी तक। तो C में कहा गया वाटलेस करंट इज जीरो। मेरे प्यारे बच्चों जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, कहीं पे वोल्टेज दिखाते हैं कहीं पे करंट दिखाते हैं, जैसे यहाँ वोल्टेज और करंट को दिखाएं, तो ऐसे वाटलेस करंट एक ऐसा करंट जिसके द्वारा यहाँ पावर लॉस ना हो। तो बच्चों समझ लीजिए फेजर डायग्राम में हम वाटलेस करंट उसको कहते हैं जो वोल्टेज से 90 डिग्री पर हो। बच्चों वाटलेस करंट हम उसे कहेंगे जो यहाँ पर कहाँ पे हो बेटा, जो यहाँ वोल्टेज से 90 डिग्री बना रहा हो। तो यहाँ कोई ऐसा करंट नहीं है जो वोल्टेज से 90 डिग्री बना रहा हो। अगर हम एक कोशिश करें कि इस करंट का कंपोनेंट 90 डिग्री पर ला के देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों वाटलेस करंट जो हमारे पास होगा, वाटलेस करंट इन द केस ऑफ रेजोनेंस, दिस विल बी इक्वल टू आई साइन आई कॉस ऑफ थीटा। वाटलेस करंट हमेशा वोल्टेज से कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों ये कितना हो गया, जीरो। यहाँ के अंदर इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है। और डी में कहा गया पावर फैक्टर इज जीरो। पावर फैक्टर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई, और यहाँ कॉस फाई के जगह पर हो जाएगा कॉस कितना डिग्री, जीरो डिग्री। कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है फेज एंगल, दैट इज जीरो। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये आ गया वन, ना कि जीरो। इसका मतलब करेक्ट चॉइस जो हमारे पास यहाँ के लिए आ गया वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर फाइव में बेटा कहा गया है इन अ सीरीज LCR सर्किट The voltage across the resistance, capacitor and inductance is 10 volt. Okay. LCR सर्किट की बच्चों यहाँ बात की गई, L हो गया, C हो गया और R हो गया। ऑब्वियसली AC सर्किट यहाँ पर बताया गया है, किसी LCR सर्किट की बात की गई है बेसिकली। यहाँ के अंदर बच्चों LCR सर्किट में तीन कंपोनेंट ऑब्वियसली होंगे, कह रहा वोल्टेज सबके क्रॉस 10 वोल्ट है, VL की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, VC की वैल्यू यहाँ पर ये भी 10 वोल्ट है, और बच्चों यहाँ VR जो हमारे पास होता है वो भी 10 वोल्ट है। तो बच्चों यहाँ बस दो चीज़ देखिए, अगर VL और VC बराबर हैं तो ये सर्किट रेजोनेंस में रहा होगा, और अगर ये सर्किट रेजोनेंस में रहा होगा VL VC क्योंकि इक्वल हैं, तो जो वोल्टेज यहाँ रहा होगा वही VR के बराबर रहा होगा, वही R के अक्रॉस आया होगा। तो बच्चों R के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है वो 10 वोल्ट है, तो पक्का है यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। फिर से सुन लीजिए, हमें साफ साफ इस क्वेश्चन में दिया गया बच्चों कि VL VC और VR ये तीनों ही 10 10 एंड 10 वोल्ट है। तो बस दो चीज़ें हम देखें कि भाई 10 और 10 अगर VC और VL बराबर हैं तो इसका मतलब ये सर्किट रेजोनेंस में है। जब सर्किट रेजोनेंस में रहता है
तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज होता है, मेन वोल्टेज होता है, वो बच्चों पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के पास होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के पास अगर 10 वोल्ट ऑलरेडी दिया गया है और रेजोनेंस की परिस्थिति बन रही है तो यहाँ भी 10 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू रहा होगा, कुछ नहीं दिया तो आरएमएस ही मान के चलेंगे। यहाँ पर अब हमसे कहा गया है इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस विल बी। अगर कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया जाए बच्चों, कैपेसिटर को जब शॉर्ट कर देंगे तो इसका एक्शन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में कैपेसिटर को जब शॉर्ट कर दिया जाएगा तो इस सर्किट का कॉन्सेप्चुअल रूप ये होगा, कैपेसिटर को एक तरह से हटा ही दिया गया, ठीक है। कैपेसिटर को हटा ही दिया गया, शॉर्ट करने का मतलब ये मैंने शॉर्ट किया होगा तो इसका एक्शन ही खत्म हो गया। तो बच्चों जब कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया जाता है तो सर्किट में केवल एल और आर बचेगा और वोल्टेज जो सोर्स था उस तो वही का वही है, उसमें तो कोई चेंज मैंने किया नहीं। तो हमें ये पता चल चुका सर ये 10 वोल्ट था तो 10 अभी भी रहेगा। बच्चों यहाँ के अंदर सब लोग सीखिएगा, हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए कि कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड दी वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, अब ये नया VL क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया VL डैश मान लिया है क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो जरा, जब VL की हम लोग बात करते थे तो VL का मतलब हम लोगों ने किया होगा अभी I into XL, ठीक है। जब VR की कभी हमने बात किया होगा पहले केस में तो I into R किया होगा, क्योंकि VL और VR बराबर हैं, ये भी 10 वोल्ट है ये भी 10 वोल्ट है। तो हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पर बच्चों I into XL equal to I into R, तो I से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर XL और R की वैल्यू सेम रही होगी। तो बच्चों यहाँ पर XL और R की वैल्यू क्या है, सेम है, XL और R की वैल्यू सेम है। तो बच्चों मान लो कोई भी करंट जा रहा हो, कोई भी करंट जा रहा हो मैं कहता हूँ, तो क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है I into XL I into R, समझिएगा, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो वोल्टेज यहाँ होगा वी आर का यहाँ वी आर डैश हो गया, क्योंकि XL और R सेम है तो I into XL और वही I यहाँ जा रहा I into R, तो वोल्टेज दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में क्या होंगे, वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। तो अब हम देख रहे हैं ये LR सर्किट बन गया, नेट वोल्टेज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर VL डैश का स्क्वायर प्लस VL डैश का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं और प्लस हो जाएगा यहाँ के अंदर बच्चों VR डैश का स्क्वायर ऐसे। और क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकली सेम हैं तो इनको हम लिख सकते हैं बेटा, ये V नेट वोल्टेज तो 10 है और ये दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे बेटा, और न्यूमेरिकली अगर सेम होंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ VL डैश का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इतना करने के बाद हमारे पास ये मिल गया 10 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू VL डैश, यानी VL डैश की वैल्यू बच्चों 10 बाई क्या हो गया स्क्वायर रूट में 2 वोल्ट। यही यहाँ के लिए बच्चों आंसर होगा 10 बाई स्क्वायर रूट में 2 वोल्ट, ओके। और इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस हमारा आएगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बेटा हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों यहाँ कहा गया आई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज फ्रॉम 11,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट। 11,000 वोल्ट को 220 में वो कन्वर्ट कर रहा, ठीक है, अच्छी बात है। दी प्राइमरी ऑफ दी ट्रांसफार्मर हैज 6,000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी दिया है, एंड डिफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 60%, ओके। 60% डिफिशियंसी देने का मतलब बच्चों आइडियल नहीं है। इफ दी आउटपुट पावर इज 9 kW देन दी इनपुट पावर इज। देखो यहाँ बहुत चीज़ें दे रखा है सवाल में लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको दे दिया है कि आउटपुट पावर 9 kW है और इफिशियंसी 60% है तो इनपुट पावर क्या होगा। बच्चों इफिशियंसी किसी ट्रांसफार्मर की ये हमारे पास होती पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, ये दिया हुआ 60% है, क्वेश्चन ने दे रखा है कि परसेंटेज इफिशियंसी यानी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज 60, ओके। बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें,
हमको पी आउटपुट दिया हुआ 9 किलो वाट किलो में दिया है, ध्यान रखिए। पी इनपुट हमसे पूछ रखा क्या होगा, इंटू 100 इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया 60। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पी इनपुट की वैल्यू अगर मैं देखने जाऊँ तो ये हो जाएगा 9 × 100 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों, 60। ओके, देखिए यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये थोड़ा और छोटा करें 3 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ गया 30/2 यानी कि 15। और किलोवाट में मैंने इनपुट पावर आउटपुट पावर रखा था तो इनपुट भी हमारा किलोवाट में मिलेगा, तो पी इनपुट की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो गया 15 किलोवाट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन बेस्ड। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर हियर दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले, है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कहा गया है, अ स्टील वायर हैज मैग्नेटिक मोमेंट यम, इफ इट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर आर्क द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, स्टील वायर है मतलब वो मैग्नेटाइज स्टेट में रहा होगा तभी उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसको ऐसे थोड़ा सा मान के चलेंगे, स्टील वायर है ऐसे, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया गया है कि इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा है, दिस इज यम। तो बच्चों यहाँ पर ये मैग्नेटाइज ऑलरेडी रहा होगा, इसके अंदर साउथ और नॉर्थ पोल रहे होंगे, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया गया कैपिटल एम है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका हम कैलकुलेशन करके बताएं तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इक्वल टू यहाँ एक पोल स्ट्रेंथ, यहाँ एक पोल स्ट्रेंथ, मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यहाँ माइनस एम रहा होगा और यहाँ पर प्लस स्मॉल एम रहा होगा ऐसे, तो स्मॉल एम इंटू इसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ तो कुछ दिया नहीं है ऐसा, तो मैग्नेट का ही लेंथ यहाँ लेंगे, और बच्चों मैग्नेट के लेंथ को मैं मान लेता हूँ ये है यल, तो यहाँ पर यम इंटू क्या हो गया यल। अब कहा गया कि इसको एक सेमी सर्कुलर आर्क के रूप में टर्न करा दिया गया है, नाउ इसको बच्चों एक सेमी सर्कुलर आर्क के रूप में ऐसे टर्न करा दिया गया है। जब इसको इस तरह से टर्न करा दिया गया तो पोल स्ट्रेंथ जो इसके थे यहाँ आ गए। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो जो लेंथ लिया जाएगा इफेक्टिव, अगर यम को मैं फिर से कैलकुलेट करने जाऊँ तो यहाँ यल इफेक्टिव हमें लेना होगा जो कि 2 times ऑफ रेडियस के बराबर होगा, जो भी सर्कुल का हाफ सर्किल का रेडियस होगा उसके बराबर होगा यल इफेक्टिव। तो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने मान लिया यम डैश है, यम डैश की वैल्यू बच्चों हो जाएगा स्मॉल यम जो कि पोल स्ट्रेंथ था वो तो बदलेगा नहीं, इंटू यल इफेक्टिव, और यल इफेक्टिव के जगह पर क्या हो जाएगा 2R। अब बच्चों सोचना है कि जो यहाँ यल था वही यल ये है और वही यल अब क्या बन चुका है, यल इक्वल टू 2πR का हाफ, बच्चों सेमी सर्कल है तो पूरा सर्कमफेरेंस का आधा हिस्सा ये होगा, अगर इसका रेडियस R है तो इसका लेंथ होगा 2πR/2। ओके, दिस इज इक्वल टू यल, यानी कि बच्चों यहाँ पर R के जगह पर हम लिख सकते हैं यल अपान पाई। अगर R की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ला के रख दूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, यम डैश दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल यम इंटू 2 × R के जगह पर यल अपान क्या हो गया पाई, तो यम यल बाई पाई 2 भी बचा है 2 यम यल बाई पाई, और यम इंटू यल को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास बेटा कैपिटल यम के इक्वल होगा, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 2 times ऑफ कैपिटल यम डिवाइडेड बाई पाई। चलिए मैच कराते हैं, नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 2 times ऑफ प्रीवियस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई पाई, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन में जाके एक बार सर्च करें तो करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा है बच्चों दिस इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा कहा गया है, एट अ सर्टेन प्लेस The horizontal component of Earth's magnetic field is square root में 3 times the vertical component। कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा जगह है जहाँ horizontal component Earth के magnetic field का horizontal component यानी BH this is square root में 3 times of vertical component of Earth's magnetic field यानी BH is equal to square root में 3 times of BB। पूछा गया कि बताइए उस जगह पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा, बच्चों बता चुका हूँ आपको एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं tan थीटा,
दिस इज इक्वल टू थीटा इज द एंगल ऑफ डिप, ये होता बेटा बी वी अपान बी एच। अब देखिए बी एच के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में थ्री टाइम्स ऑफ बी वी। तो बी वी बी वी ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा वन बाई स्क्वायर रूट में थ्री। ठीक है, अगर टेन थीटा इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट में थ्री आता है तो स्पष्ट है देयरफॉर थीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा बच्चों, और करेक्ट चॉइस जो यहाँ हम लोग लेंगे दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस वुड बी हियर ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया बेटा अ शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मोमेंट 6.75 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। कह रहा है कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है और कहा गया है कि प्रोड्यूसेज न्यूट्रल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, वो कहीं एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट प्रोड्यूस करता है। इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस देन द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। बच्चों होता क्या है, मान लो किसी स्थान पे ये अर्थ का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा हो, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात की गई, और बच्चों एक मैग्नेट लेके आऊँ यहाँ रख दूँ, यहाँ पर ये साउथ रहा ये नॉर्थ रहा, तो इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ये एक्सिस रहा, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर बच्चों ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी के इक्वल हो जाए इस जगह पे, जो यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात हुई है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों पहले समझिए, कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, शॉर्ट है, छोटा सा है, तो शॉर्ट मैग्नेट की वजह से यहाँ पर बच्चों उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पर मान लो मैं इसके एक्सिस पे कहीं यहाँ चला आया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट मैग्नेट की वजह से कुछ है और यहीं पर अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। बच्चों अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के द्वारा लाया गया अर्थ के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को बराबर कर दे, बैलेंस कर दे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर क्या आ जाएगा, जीरो, और वो पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, तो यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस दिस विल बी इक्वल टू बी एच। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हम मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना तो एंगल ऑफ डिप का जिक्र हुआ है, बस मुझे इसी को बैलेंस कराना है, न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। कह रहा देन द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, यानी कि ये जो दूरी है सेंटर ऑफ मैग्नेट से इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया आर। ठीक है, और शॉर्ट मैग्नेट की बात किया है, तो एक्सियल पोजीशन पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको पता है मैग्नेट की वजह से होता म्यू नॉट अपॉन 4π 2 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है स्मॉल r का क्यूब इक्वल टू, मैं यहाँ पर देखूँ बी एच की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसने कहा है कि यहाँ पे अर्थ का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दिस इज 5×10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5×10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इतने पार्ट की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 10⁻⁷ SI में होता है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ यम कैपिटल यम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट दैट इज गिवन 6.75। यहाँ पर बच्चों यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर बेटा ये हो गया आर क्यूब, दिस इज 5×10⁵। ओके, इसको थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ क्या मिलेगा, आर का क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 2×6.75×10⁻⁷ और ये इधर आ जाएगा तो 10⁻², केवल बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ गया बच्चों 5। ये पूरा आप लोग मेहनत करके सॉल्व करोगे बच्चों और यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, आर की वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 30 सेंटीमीटर में मिलेगा 30 सेंटीमीटर, आप निकालोगे तो मीटर में बनेगा
100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा, निकालोगे 0.3 मीटर मिलेगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर जाएगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन सी। आप लोग देख सकते हैं करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। ओके बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ के अंदर कहा गया अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक डोमेन्स। बच्चों जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो दो तरह से मैग्नेटाइजेशन होता है। एक होता है बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन, उसमें क्या होता है कि जो डोमेन के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फेवर करता है, सपोर्ट करता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, बाकी की साइज कम हो जाती है। और दूसरा होता है बाय रोटेशन ऑफ डोमेन, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो जितने डोमेन हैं उन सबके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल हैं घूम कर रोटेट करके उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। फिलहाल यहाँ जो पॉसिबिलिटी की बात है कि डोमेन का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, दोनों होगा। मान लो मैं इंक्रीज और डिक्रीज, जो मान लो मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हो तो जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड को फेवर कर रहा होगा, उसको सपोर्ट कर रहा होगा, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा तो बाकी का डिक्रीज। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, करा इंक्रीजेज इन साइज डिक्रीजेज इन साइज, ये दोनों हो सकते हैं सर, मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज, तो ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया बच्चों द एरिया बी एच हिस्ट्रेसिस लूप इज एन इंडिकेशन ऑफ द परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल ससेप्टिबिलिटी। बच्चों ये जो बी एच कर्व होता है जिसमें हिस्ट्रेसिस कर्व नाम से मैंने आपको पढ़ाया था जिसको, तो इसके अंदर क्या होता है पूरा एक बार देखिए। सिचुएशन ऐसे था, एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा था उसके अंदर रख देते हैं, तो उसके अंदर बच्चों बी की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती गई, हमने एच बढ़ाते गए, फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मिला था, बता चुके हैं सब। यहाँ पर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ता है, बी की वैल्यू उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है, फिर बच्चों उसको घटाते हैं फील्ड को, ग्राफ कुछ ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है पूरा कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए यहाँ हमें कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है जिसको कोर्सिव फोर्स कहते थे, इसको रिटेंटिविटी बोले थे, आपको याद दिला दूँ। ये पूरा लूप बना था यहाँ पे बच्चों, इसको मैंने हिस्ट्रेसिस लूप कहा था। सवाल ये है कि एरिया जो इसका होगा वो इंडिकेट किसको करता है। बच्चों मैंने बताया था कि एरिया जो इसका होता है वो यहाँ पर एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। हिस्ट्रेसिस लूप फॉर्मेशन यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है तो उसके अंदर एनर्जी लॉस कितनी होती है उस चीज़ को ये बता रहा होता है। जितना ज़्यादा एरिया यहाँ पर होगा, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम उस मटेरियल के अंदर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उतना ही ज़्यादा होगा और हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी का लॉस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। एरिया यहाँ हिस्ट्रेसिस एरिया जो है लूप का वो कह रहा है एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों फिलहाल चारों ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमसे कहा गया है शार्प्ट आयरन इज यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर, कह रहा सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रिकल मशीनों में यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन में करंट फ्लो होगा और जनरली एसी करंट फ्लो होगा, करंट फ्लैक्चुएट होगा और यहाँ के अंदर बच्चों जब फ्लैक्चुएट होगा तो बार बार मैग्नेटिज्म डेवलप होगा और उसके अंदर डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन की प्रक्रियाएँ होंगी। तो जो मटेरियल हमें वहाँ लगाना चाहिए वो ऐसा लगाना चाहिए कि ईजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके, हमारा ऐसा ना हो कि एक डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाए फिर डीमैग्नेटाइज ही ना हो। तो हमें ऐसे मटेरियल का चुनाव वहाँ करना होगा
जिसके लिए मैग्नेटाइजेशन भी इजी हो और डीमैग्नेटाइजेशन भी इजी हो। तो यहाँ के लिए और मैग्नेटिक परमियाबिलिटी उसकी क्या हो, हाई हो, जैसे ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ठीक है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। तो यहाँ के लिए जो सही जवाब होगा, कहा गया है सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज किया जाता है, तो इसका कारण होगा जब बच्चों लो कोर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी लाने वाला कोई मटेरियल होगा तो वहाँ एनर्जी का लॉस कम होगा, जानते हो हिस्टेरेसिस एरिया जो होगा हिस्टेरेसिस लूप का वो भी कम होगा और एनर्जी का लॉस भी कम होगा। तो एक तो ये फायदा हुआ, एनर्जी का लॉस कम हुआ और यहाँ पर उसकी मैग्नेटिक परमियाबिलिटी हाई रखी जाती है। तो बच्चों सॉफ्ट आयरन के लिए सही बात हो गया लो हिस्टेरेसिस लॉस हाई परमियाबिलिटी, ऑप्शन बी यहाँ के लिए सही होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सॉफ्ट आयरन बच्चों ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रिटेंटिविटी लो और कोर्सिविटी भी लो होगा, इस वजह से जो हिस्टेरेसिस लूप बनेगा उसका एरिया कम होगा और एरिया ही यहाँ इंडिकेट करता है एनर्जी लॉस को, तो एनर्जी लॉस कम होगा। जिसकी रिटेंटिविटी कम कोर्सिविटी कम हो उसकी परमियाबिलिटी मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, लो हिस्टेरेसिस लॉस एंड हाई मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट चॉइस होगा वो हम लोग लेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले वी है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों कहा गया है ऑल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर रियल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट। मैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए सही होगा किसको छोड़कर, मतलब क्या इनकरेक्ट है इन चारों में से, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन बोल रहा दी मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन वन। यस सर, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है यहाँ के लिए, तो कहा गया मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर, बच्चों यहाँ पर हमेशा एक से छोटा होता है, ये आप जाके रिपीट कर लीजिएगा पूरा जो मैंने जहाँ पढ़ाया है, ये सही बोल रहा है। बी में कहा गया वर्चुअल अ वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्लेन मिरर, बिल्कुल सही है, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, मैं इसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, आप लोग अपने बुक से जहाँ मैंने पढ़ाया रिवाइज करिएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे सी में कहा गया है वर्चुअल अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल हो, मैग्नीफाइड हो और इरेक्ट हो ऐसा इमेज बनेगा कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के द्वारा यहाँ ऐसा किया जा सकता है। यस सर, कॉन्केव मिरर हर तरह का बनाता है, वर्चुअल भी बना सकता है और बच्चों रियल भी, ज़्यादातर केस में रियल बनाता है लेकिन वर्चुअल भी कुछ एक केसेज में बनाता है। ओके, जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास रख देते हैं, इसके बताया था मैंने पूरा, आप रिवाइज करेंगे। यहाँ पर डी में कहा गया रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। सर, रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कभी भी रियल इमेज नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ के लिए इसका मतलब ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ गलत होगा और गलत वाला ही हमें लेना था कि कौन सा सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट सिलेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के लिए जो करेक्ट सिलेक्शन होगा दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, आप लोग ये पूरा रिवाइज करेंगे, अगर इसमें कुछ भूल रहा हो यहाँ बच्चों सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ये चीज़ें डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग अपनी राइवल बुक में जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।